Adjusting levels, external occipital protuberance, superior nuchal line, mastoid process. यार कितने सारे अटैचमेंट्स है. पैरोटिड रीजन फीचर. यार कितना समय पढ़ने को. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. सो इफ यू गाइज आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स लाइक वी डिड देन यू आर ऑन द राइट प्लेस. Do watch the entire video to know how to study anatomy in first year MBBS. I am Kayan. And I am Kiana, and welcome back to our YouTube channel, Mass Medicals. So anatomy is divided into four parts: general anatomy, gross anatomy, histology, and embryology. और उसके भी पहले main चीज कि आपको anatomy पढ़ने किस purpose के लिए. दो approaches होंगे. या तो आपको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है तो उसके लिए डिफरेंट अप्रोच होगा, और या तो सिर्फ आपको एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ना है कि आप जितना पढ़ो उतना 50% मार्क्स आ जाए, प्रॉफ एग्जाम में आप पास हो जाओ, तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच रहेगा. पर उसके भी पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी बुक्स पढ़नी है. तो हमने हमारी फर्स्ट ईयर की बुक रिव्यूज एनाटॉमी के लिए एक दूसरी वीडियो बनाई है. The link will be given in the description down below. अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाओ पहले वो वीडियो देख के आओ. सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले उसमें दो चीज होती है, एक होता है कॉन्सेप्ट्स और एक होता है चीजों को मेमोराइज करना. सो एनाटॉमी में कॉन्सेप्ट्स काफी कम है और मेमोराइजेशन पार्ट उतना ही ज्यादा है. सो उसके पीछे मत भागना कि कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़े या फिर उसको कैसे इजीली अंडरस्टैंड करें, वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगे. चीज जिसमें आपको ज्यादा टाइम फोकस करना है वो है कि मेमोराइज कैसे करें, और मेमोराइज में भी वो फिर आप सब में सब चीज में वो लॉजिक नहीं लगेगा. सपोज कि यहाँ पे ब्रेन है तो है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे ब्रेन क्यों है, ना ही उसमें कोई एक्सेप्शन मिलेगा आपको कि यहाँ पे ब्रेन नहीं और यहाँ पे ब्रेन है या यहाँ पे ब्रेन है, वो नहीं होने वाला है. सो आपको वो चीज पे फोकस और ज्यादा टाइम लगाना है कि मेमोराइज कैसे करें उन सब चीजों को. और मेमोराइजेशन करना वैसे बहुत ईजी है. डायग्राम्स लर्न करो, फिर इमेजेस लर्न, यू नो, बना बना के प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, और बार बार ये चीज़ें रिवाइज करो, क्योंकि यही चीज़ें आपको रिटेन करने में हेल्प करेगी. और वैसे सी एनाटॉमी बहुत इजी सब्जेक्ट है और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाती है, पर प्रॉब्लम आती है याद करने में और उसे रिकॉल करने में. तो द बेस्ट थिंग उसके लिए बार बार रिविजन करो, वरना नहीं हो पाएगा. सो The question is how to study anatomy in the right way. ऐसे पढ़ना सबके नसीबों की बात नहीं है. सो आप ये चीज के पीछे टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा हम जो तरीका बता रहे हैं वो तरीके से करिए. तो आपको लेक्चर में फॉर एग्जांपल एक टॉपिक कराया हो तो आप उसका डाइसेक्शन या तो उसी दिन हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे होगा. फिर फॉर एग्जांपल है ब्रेकर आर्टरी, तो आपको वो क्लास में पढ़ा दिया, फिर डाइसेक्शन में अपर लिम के डिसेक्शन में दिखा भी दिया ब्रेकर आर्टरी. फिर आपको क्या करना है, घर आना है और उसके डायग्राम्स देखने हैं बीडीसी में. सो डिसेक्शन हॉल में जब वो टॉपिक कवर हो रहा होगा तब काफियों के साथ ये केस होगा कि उनका ध्यान वो चीज पे नहीं रहेगा, क्योंकि एक टेबल पे ऑलमोस्ट 15-20 स्टूडेंट्स होते हैं और वो पॉसिबल ही नहीं होती वो चीज़ के सर या मैम जो भी कुछ बोल रहे हो आप सबका सब रिटेन कर सको. सो तब क्या करेंगे जब आपने पर ध्यान नहीं गया हो वो चीज़ पे, घर आना है, YouTube तो है ही सबके पास, YouTube खोलना है और वो जो भी टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल आर्टरी, सो उसकी डिसेक्शन वीडियोस देखनी है 2-3, और वो वीडियोस में आपको ध्यान किस चीज़ पे रखना है. सपोज कि ब्रेकियल आर्टरी है तो आर्टरी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, उसका कोर्स क्या है, ब्रांचेस क्या है, टर्मिनेशन क्या है, वो सब आपको वो वीडियोस में देखना है, और फिर वो टॉपिक जो भी है उसकी थियरी पढ़नी है बीडीसी में से. फिर आपने जो डायग्राम्स देखे हैं बीडीसी में से तो आपको यू नो पिक्चराइज करने में बहुत इजी होगा, और आप एक बार पिक्चराइज कर सकोगे तो उसको लर्न करने में और मेमोराइज करने में बहुत इजी रहेगा. और फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल आर्टरी है तो जैसे उसकी ब्रांचेस होती है या जो भी, तो आप उसके न्यूमोनिक्स बना सकते हैं ताकि आप इजीली यू नो उसको याद कर सको. पर फिर इतने सारे न्यूमोनिक्स भी मत बना लेना कि वो न्यूमोनिक्स याद करने के लिए भी आपको न्यूमोनिक्स बनाने पड़े. सो
आपको दो या तीन बार वही चीज या वही टेक्स्ट पढ़ना है और उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको नोट्स बनाने के बाद वो टेक्स्ट वापस से कभी नहीं पढ़ना है, आपको वही टॉपिक फिर नोट्स में से ही रिवाइज करना है, जिससे आपका टाइम भी रिड्यूस होगा और आपको पता होगा कि कौन से की पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, कौन सी चीज आपको मेमोराइज करनी है, और मेक श्योर कि आप वो नोट्स में डायग्राम्स भी इंक्लूड करो, और यूज कलर पेंसिल्स टू मेक डायग्राम्स, और यूज कलर पेंस टू सो एज तो नोट्स जो भी है वो काफी ज्यादा मोनोटोनस ना बने, और अगर आप उसको बार बार भी पढ़ रहे हो तो वो चीज आपको देखने में वो नहीं लगनी चाहिए अरे यार ये बहुत बार देख लिया, या फिर वो इच्छा ना हो वैसा नहीं होना चाहिए, सो यूज कलर्स टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। और अगर किसी को नोट्स भी बनाने नहीं हो तो फिर वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जाओ और उसकी या तो जेरॉक्स ले लो और फिर उसमें से पढ़ो, हमने ऑलरेडी सब काम आपको करके दिया है, आपको सिर्फ जाना है, देखना है और वही प्रिंट करा लेनी है। सी एनाटॉमी काफी ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, सो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स करो, दूसरी बुक्स ट्राई करो या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करो, अगर हमने जो बताया आप सिर्फ वही ट्राई करते हो तो वो गारंटी हमारी है कि आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं, और आपको डेफिनेटली मिलेंगे, हमको भी मिले हैं आपको भी मिलेंगे। तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको IMPs लर्न करनी है और डायग्राम्स लर्न करना है, और IMPs हम भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और जैसे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है ना सबके IMPs अलग अलग होते हैं, तो आप अपने सीनियर से भी वो ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहला जैसे जनरल एनाटॉमी है, तो उसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, और हर साल यू नो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में उसी 10 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपर लिम पे आता है, अपर लिम में वही नर्व्स, फोसास, आर्टरीज, वही मेन चीज से पूछी जाती है, और थोरेक्स, थोरेक्स तो आई गेस सबसे ज्यादा इजी आपको रहेगा क्योंकि वही हार्ट, लंग, आप बचपन से वही चीजें पढ़ते आ रहे हो, वही चीजें इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। फिर आता है लोअर लिम, उसमें भी आपको यही सारी चीजें करनी है, नर्व्स, आर्टरीज, फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल कैनाल, और एब्डोमिन और पेल्विस, वो भी मतलब थोरैक्स जैसा इजी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लिवर है, स्किन है, स्टमक है, ये सब आता ही है सबको। फिर आता है सबका बाप, हेड एंड नेक एंड न्यूरो, ये चीज ऐसी है कि हम मानते हैं कि ये चीजें डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन काफी ज्यादा है, और इसमें आप और किसी में देखो ना देखो इसमें तो वो डिसेक्शन वीडियोस देख ही लेना हेड एंड नेक और न्यूरो की, क्योंकि वो चीजें आपको याद करने में ज्यादा इजी रहेगा, और इतना ज्यादा इन्फो है ना इसके पीछे कि आप सिर्फ ट्राई करना कि की कॉन्सेप्ट जो पॉइंट्स है वही रिमेम्बर करो, क्योंकि अगर खाली एनेट पढ़ने के लिए मैं आपको एक साल भी दे दूँ ना तो भी आपसे वो पूरा सिलेबस कभी कवर होगा ही नहीं, पूरा सिलेबस कोई कवर नहीं कर पाता, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्मार्ट बनना है, सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो मेन है और जो पूछी जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, वही चीज़ें आपको करनी है। फिर आता है हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अब सब बच्चे ये वाला यू नो टॉपिक छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास ना तो टाइम होता है, और मतलब हिस्ट्री एंड बायोलॉजी का काफ़ी लो वेटेज होता है, पर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मत पढ़ो, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी में शायद 15-20 क्वेश्चन IMP निकलते हैं, तो उतना ही करो, ऐसे सब करने मत जाना, वरना जो आपके इम्पोर्टेंट आगे सिस्टम है लाइक अपर लिम है, हेड एंड नेक है, ये सब जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं वो छूट जाएंगे, सो IMP कर लो उतना चलेगा। सो गाइस डोंट वरी, इनिशियल स्टेज है हमको भी डर लगा था, आपको भी वही फियर होगा, लेकिन ग्रेजुअली यू विल ओवरकम इट एंड ट्रस्ट यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। बस एक चीज का ध्यान रखना, स्टार्ट अर्ली और कंसिस्टेंट रहना, यू नो फिर जब आके ऐसे सब्जेक्ट्स है जो पूरे साल नहीं पढ़े होंगे ना, फिर भी एक दो महीने में लास्ट में आप कर ही लोगे, पर एनेट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपको यू नो लर्न करने में, मेमोराइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एग्जाम्स के स्टार्टिंग में आपको ये चीज होगा, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम्स एंड होगी और अगर आपने हमारी गाइडेंस फॉलो की होगी तो ये होगा, मजा आया। सो गाइस डोंट स्ट्रेस सो मच, अभी फर्स्ट ईयर है, नए नए फ्रेंड्स बने हैं, सब नया नया है आपके लिए, तो एंजॉय कर लो लाइफ को, एग्जाम्स तो क्या है, एग्जाम्स अगर ना कम इनको पर मेमोरीज विल ऑलवेज स्टे। बात तो सही है। सो that's it for today's video and we will catch you in the next video very soon. ruko jara sabar karo ruko ruko
अरे यार सब्सक्राइब करके जाओ गाइस, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो फिर सब्सक्राइब करते नहीं हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस, सो बस थोड़े से प्यारे से कमेंट्स एंड सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, हम भी खुश आप भी खुश, हमको भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। टिल देन, चीयर्स।